टाइप्स ऑफ करिकुलम करिकुलम डेवलपमेंट के बेसिक्स के बाद आइए देखते हैं करिकुलम कितनी तरह का हो सकता है जनरली किताबों में चार तरह के करिकुलम को डिफाइन किया जाता है एक्सप्लिसिट, ओवर्ट या रिटन करिकुलम इम्प्लिसिट, कोवर्ट या हिडन करिकुलम नल करिकुलम को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर करिकुलम आप मुख्तफ किताबों में देखेंगे कि करिकुलम की टाइप्स की कुछ और क्लासिफिकेशन भी हो सकती है लेकिन जब आप जरा गौर से पढ़ेंगे तो आपको यही चार तरह के करिकुलम नजर आएंगे में भी मुख्तफ अल्फाज को इस्तेमाल किया जाए हम यहाँ पर इन चार करिकुलम की डिटेल में भी देखेंगे आइए देखते हैं कि मुख्तसरा इनको कैसे बयान किया जा सकता है एक्सप्रेसिट या रिटर्न करिकुलम क्या है वो करिकुलम जो लिखा है हमें मालूम है कि हमने इसमें कौन से सब्जेक्ट एरियाज को पढ़ाना है किस किस्म का कंटेंट होगा किस किस्म के लर्निंग एक्सपीरियंसेस होंगे किस तरह से इसको इवैल्यूएट किया जाएगा और एविडेंस ऑफ फेलियर या पास क्या होगा इम्प्लिसिट या हिडन करिकुलम यह वो करिकुलम है जो स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता बल्कि ये स्कूल की इंफॉर्मल टीचिंग के साथ साथ बच्चे सीखते जाते हैं नल करिकुलम ये वो करिकुलम है जो बच्चे नहीं पढ़ सकते या जिसके पढ़ने की इजाज़त कम्युनिटी या पेरेंट्स की तरफ से या सोसाइटी की तरफ से नहीं दी जाती क्योंकि कुछ असबाक की या कुछ मजामीन को पढ़ाना एक्सेप्टेबल ही नहीं होता किसी सोशल सेटअप में करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ अर्सा पहले तक को करिकुलर के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता रहा है लेकिन अब इसको को करिकुलर करिकुलम ही कहा जाता है क्योंकि इसका बेसिक मकसद जो फॉर्मल टीचिंग क्लासरूम में है उसको फर्दर स्ट्रेंथन करना है या वो स्किल्स और एटीट्यूड्स बच्चों को सिखाने हैं जो वो करिकुलर एक्टिविटीज को करते हुए सीखते हैं आइए नजर डालते हैं एक्सप्लिसिट करिकुलम क्या है रिटर्न या एक्सप्लिसिट करिकुलम इट इज डिफाइंड करिकुलम इस करिकुलम में क्या होगा आपको स्कूल की मिशन स्टेटमेंट नजर आएगी मिशन स्टेटमेंट स्कूल क्या अचीव करना चाहता है ओवर ए पीरियड ऑफ टेन ईयर्स और ओवर ए पीरियड ऑफ ट्वेंटी ईयर्स आज से अगर आप पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम को उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको एक मिशन स्टेटमेंट और विजन नजर आएगा कि हम क्या विजन करते हैं क्या विजन रखते हैं और हमारा मिशन क्या है इस करिकुलम को पढ़ाने का सो so, ये करिकुलम एक मुल्क का भी हो सकता है और एक ये सूबे का भी हो सकता है जैसे हमारे यहां पर एक नेशनल करिकुलम है और उसमें विजन और मिशन स्टेटमेंट को खास तौर पे डिफाइन किया गया है सो हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम का मिशन क्या है फिर उसमें क्लासिफिकेशन आ जाती है हमने कौन से सब्जेक्ट एरियाज उसमें पढ़ाने हैं सो सब्जेक्ट्स का नाम उसमें डिफाइंड है आप कौन सी साइंसेस पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे लैंग्वेज पढ़ाएंगे या कंप्यूटर स्किल्स पढ़ाएंगे हर चीज को तफसील से बयान किया जाता है लेसनस टू कवर कौन कौन से लेसन हैं जो आपने बच्चों को पढ़ाने हैं और किस किस्म के स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट आपने बच्चों की इवेल्यूशन करनी है क्या कंटेंट मैटर पढ़ाएंगे नॉलेज पढ़ाएंगे और किस किस्म की स्किल डेवलपमेंट होगी और उसके साथ साथ किस किस्म के एटीट्यूड्स या बिहेवियर्स को बच्चों में इनकलकेट करने की कोशिश की जाएगी एवरी थिंग इज डिफाइंड इन दिस करिकुलम जहां पर हम कहते हैं कि मिशन स्टेटमेंट है कॉन्टेंट मैटर वी वॉन्ट टू कवर इन दैट स्टेटमेंट देन वट काइंड ऑफ लेसन वट काइंड ऑफ इवेलुएशन क्राइटेरिया वुड बी तैयार सो एवरी इज डिफाइन सो इट्स ए कम्प्लीट डॉक्यूमेंट विच इज इज सुबिक वर्ड एट एनी पर्टिकुलर ग्रेड लेवल हर लेवल का हर ग्रेड लेवल का डिफाइन किया जाता है और उसमें उसके मुताबिक या लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए जाते हैं दिस करिकुलज अपेरेंट एंड ऑब्वियस यह हमें मालूम है इसमें कुछ भी चीज छुपी नहीं हुई जो लिखा हुआ है वही उसमें पढ़ाना पड़ेगा इसकी खासियत क्या है इट एग्जिबिट्स या शो करता है कि इसमें ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स हैं, यानी देयर आर सर्टन स्टैंडर्ड्स विच स्टूडेंट्स हैव टू अचीव एट एनी पर्टिकुलर ग्रेड लेवल सो दैट विल बी गिवन एज अटेनमेंट टारगेट्स या स्टैंडर्ड्स या लर्निंग ऑब्जेक्टिव की टर्म इस्तेमाल की जाएगी इट ऑल्सो डिफाइन्स द कॉन्टेक्ट आवर्स फॉर हाउ मेनी आवर्स एनी सब्जेक्ट वुड बी टॉट ओवर ए पीरियड ऑफ एयर टाइम ऑफ एक्टिविटीज कितना दिया जाएगा उसको सब्जेक्ट वाइज डिफाइन कर दिया जाता है लेसन प्लान सैम्पल लेसन प्लान उसमें दिए जाते हैं कन्वेंशनल टीचिंग होगी किस किस्म की टीचिंग होगी टीचर का क्या रोल होगा और किस तरह से वो लेसन को इवेल्यूएट करेगी एंड एट द सेम टाइम हाउ द असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी डन वेदर गोइंग टू बी पेपर पेंसिल टेस्ट बाय द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर और ये असेसमेंट कंटिन्यूस भी हो सकती है मंथली बेसिस पर भी हो सकती है जैसे हमारे यहाँ पंजाब में बच्चों को हर महीने एक टेस्ट दिया जाता है जिससे ये असेस किया जाता है कि बच्चे किस लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं